प्यारे बच्चों, क्लास LKG सब्जेक्ट हिंदी। पिछले वीडियो में मैं हिंदी के सब्जेक्ट में आप लोगों को स्वरमाला के अक्षरों के बारे में बताई थी, अक्षरों का ज्ञान करवाई थी, और आज मैं आप लोग को व्यंजनमाला पढ़ाने जा रही हूँ, व्यंजनमाला के कुछ अक्षरों के बारे में। बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आज के वीडियो का हमारा व्यंजनमाला का सबसे पहला अक्षर क्या है? क। तो चलिए देखिए ध्यान से आप लोग। पहला अक्षर है क। क से कबूतर, क से कबूतर, क से कूदना, क से कबूतर और क से कूदना। देखिए क से कबूतर, कबूतर एक पक्षी है और एक कहाँ रहता है? आसमान में उड़ता है, पेड़ों पर घोंसले बना करके रहता है। कबूतर आपके घरों में भी रहता है और गुटुरगु की आवाज़ निकालता है। तो बच्चों, कबूतर इस रंग के भी होते हैं और सफ़ेद रंग में भी होते हैं। और आपको कौन से प्यारे हैं कबूतर? आपको सफ़ेद रंग के कबूतर बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो देखिए बच्चों, कैसे कबूतर और कैसे कूदना। देखिए बच्ची पहाड़ से कूद रही है, कैसे कूदना। अब आगे का अक्षर क्या है आपका? अगला अक्षर ख। ख से खरगोश, ख से खरगोश। देखिए खरगोश है, आप खरगोश देख रहे होंगे। खरगोश बहुत ही प्यारा होता है, इसकी आंखें लाल लाल होती हैं और इसके इसके रंग भूरे भी होते हैं, काले रंग के भी होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। खरगोश बहुत ही धीरे धीरे चलता है, खरगोश पालतू जानवर है। तो ख से खरगोश, ख से खाना, ख से खाना। तो देखिए ये बच्चा क्या खा रहा है? कुछ खा रहा है, तो ख से खाना भी होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने क से और कबूतर और ख से खरगोश के बारे में जाना। अब फिर अगला अक्षर आपका क्या है, चलिए देखिए। अगला अक्षर आपका है ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला, ग से गाना, ग से गमला, ग से गाना। देखिए ग से गमला, गमला है, गमले में सुंदर फूल लगे हैं। आप लोग के घर पे भी गमले होंगे और उसमें आप फूल लगाए होंगे। तो ग से गमला होता है और ग से गाना होता है। ये लड़का देखिए क्या माइक लेकर के गाना गा रहा है, तो ग से गाना। अब आपका अगला अक्षर है घ। घ, घ से घर, घ से घर। एक घर है, घर तो आप सभी देखे हैं, आप सभी जानते हैं घर में क्या होता है, घर से हमें क्या आराम मिलता है। घर हमें सर्दी गर्मी धूप बरसात हर चीज़ से बचाता है। हम घर में ठंडी से भी बच सकते हैं, बारिश से भी बच जाते हैं, गर्मी से भी धूप भी नहीं लगती हमें। तो घर हमें सर्दी गर्मी ठंडी बरसात कुछ भी हो हमें बचाता है, घर में हम अपने सुरक्षित रहते हैं। तो घ से घर, घ से घूमना, घ से घूमना। देखिए ये लड़की ये डॉगी के साथ घूमने निकली है, घूमने जा रही है। जैसे आप लोग भी अपने दोस्तों के घर जाते हैं घूमने के लिए, तो घ से घूमना, घ से घर, घ से घूमना। अब आपका अगला अक्षर क्या है, चलिए ध्यान से देखिए और समझिए। अब आपका अगला अक्षर है अंगा, अंगा से कुछ नहीं, अंगा से कुछ नहीं। ऐसे अंगा अक्षर से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। बच्चों, अंगा अक्षर से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। अंगा से कुछ नहीं, अंगा खाली, बच्चों बजा दो ताली। तो देखिए अंगा से, अंगा कोई, अंगा से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता और अंगा शब्द के बीच में या उसके अंत में लगाया जाता है। देखिए यहाँ लिखा गया है गड़ंगा, गड़ंगा। तो बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो हम आज पढ़े हैं व्यंजनमाला, व्यंजनमाला में पढ़े हैं क से अंगा तक के अक्षरों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से समझाया और पढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।